हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका रिएक्ट जेएस कोर्स का पार्ट नंबर 6। गाइस, इसके अंदर हम देखेंगे आपका फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में कि किस तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट वर्क करता है रिएक्ट जेएस के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइस, एंड जैसे कि गाइस मैंने आप सबको बताया, ये रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाए एंड कोड फॉर एजुकेशन को फॉलो कर लें। और अगर आपको रिएक्ट जेएस के कोर्स से रिलेटेड जितने भी आपको सोर्स कोड होंगे वो आपको चाहिए तो गिटहब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाए एंड फॉलो कर लें गाइस। और प्रीवियस जितने भी कोर्स थे उनके भी सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी हमारी कोड फॉर एजुकेशन की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएं एंड फॉलो कर लें आप। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आपका व्हाट इज अ कंपोनेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है आपका व्हाट इज अ कंपोनेंट एंड यहाँ पे इंट्रोडक्शन रखा है, तो इस इंट्रोडक्शन को पहले रीड कर लेते हैं। अ कंपोनेंट इज अ वन ऑफ द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरी एप्लीकेशन यू विल डेवलप इन रिएक्ट विल बी मेड अप of pieces called components. Components make the task of building UIs much easier. You can see a UI broken down into multiple individual pieces called component and work on them independently and merge them all in parent component which will be your final UI. So यहाँ पे मैंने ये छोटा सा रखा है, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ पे कि जो component होता है हमारा, ठीक है, तो वो कंपोनेंट होता क्या है। आपको पता होगा इससे पहले जब कभी भी हम HTML के अंदर कोई भी एक टेम्पलेट बनाते थे उसको यूज करके CSS को, SAS को, Bootstrap को, whatever, जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं, आपने देखा होगा वहां पे कोड आपका कितना लेंदी हो जाता था कि इंडेक्स पेज पे ही हमें सब कुछ करना चाहिए। बट जब हमारी रिएक्ट के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास में इंडेक्स पेज होता है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे हेडर के लिए, फुटर के लिए, सारी चीजों के लिए अलग अलग फाइल बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम रखा है, इस डायग्राम को समझिए। हमारी जो ऐप है वो index.js है, मानिए, ठीक है, ये हमारी फाइल जो है index.js है जो कि रिएक्ट में हमें मिलती है। इसके बाद अब हमारे को हमारे लेआउट के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं, तो हम कौन कौन से कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, नैपबार हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, नैपबार कर सकते हैं, प्रोफाइल कर सकते हैं, ट्रेंडिंग का कोई सेक्शन होगा उसको कर सकते हैं, फीड दिखाने का सेक्शन है उसको कर सकते हैं, और फीड के अंदर भी हम और ज्यादा कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें हम चिल्ड्रन कंपोनेंट्स कहते हैं, जिसमें हमारा ट्वीट्स आ जाएगा, रीट्वीट्स आ जाएगा, लाइक आ जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, लेआउट के अकॉर्डिंग, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर अपने किसी पेरेंट कंपोनेंट पे कॉल करवा के उसका रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो इसीलिए कंपोनेंट्स इतने इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर। अब देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम के अंदर। सपोज आपके पास में यहाँ पे ऐप है, ओके, ऐप के बाद आप क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे आपका हेडर का, एक कंपोनेंट बनाएंगे आप मेन पेज का, जिसको आप इंडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में तीन चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर रिजल्ट्स टेबल है, चार्ट है मॉडल, और आपका लेफ्ट नैव है। ये तीनों चिल्ड्रन हो गए आपके। उन तीनों चिल्ड्रन के बाद में आपके रिजल्ट्स टेबल के अंदर दो मोर चिल्ड्रन है, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कंपेरिजन टेबल और कंट्रोल हेडर्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे दोनों चिल्ड्रन। अब कंपैरिजन टेबल के अंदर एक और चिल्ड्रन है जो है आपकी टेबल रो, और टेबल रो के अंदर आपके पास में दो और चिल्ड्रन है। तो आप देख रहे हैं कैसे हायरार्की बन रही है आपकी पूरी की पूरी मैप की। तो कुछ इस तरीके से ही आप डिजाइन कर सकते हैं अपने लेआउट को कंपोनेंट्स वाइज रिएक्ट के अंदर, और जहां पे भी आपको उनको जरूरत पड़े उनको कॉल करवाएं एंड यूज करें उसको। इसीलिए दैट्स वाई यहां पे आपका कोड स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कंपेयर टू आपका जो स्टैटिक वेबसाइट होती है, ठीक है। अब चलते हैं यहां पे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। तो लिस्ट मैंने यहाँ पे रखी है, पहला आपका फंक्शनल कंपोनेंट्स जो हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, दूसरा हमारा क्लास कंपोनेंट्स होता है जो कि इस फंक्शनल कंपोनेंट से पहले चलता था, बहुत ज्यादा पॉपुलर था वो, बट रिएक्ट 16 जब से आया तो उसमें हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। अब क्लास कंपोनेंट भी यूज करते हैं बट इतना ज्यादा अब नहीं यूज करते, इसके डिसएडवांटेज भी हैं जो कि आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे। इसके बाद है आपका प्योर कंपोनेंट्स, ओके, फिर है आपका हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स, फिर है आपका कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स, नेक्स्ट आपका अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस आएंगी अपकमिंग, ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा सीरीज के अंदर जितनी भी आपके ये कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। अभी हम फंक्शनल कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट क्या है आपका, व्हाट इज अ फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। रिएक्ट जेएस फंक्शनल कंपोनेंट्स आर सम ऑफ द मोर कॉमन कंपोनेंट्स
दैट विल कम अक्रॉस वाइल वर्किंग इन रिएक्ट. दीज आर सिंपली जावास्क्रिप्ट फंक्शंस. वी कैन क्रिएट अ फंक्शनल कंपोनेंट्स इन रिएक्ट बाय राइटिंग अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन. दीज फंक्शंस मे और मे नॉट रिसीव डेटा एज पैरामीटर्स. In the functional components, the return value in the JSX code to render to the DOM tree. Okay, it means जो functional components होते हैं वो similar आपके JavaScript के जैसे ही होते हैं. इसलिए मैंने advanced JS के अंदर आपके बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी. मैंने promise, modular पढ़ाया था मैंने आपको. वो सारे के सारे concepts ही वही हैं जो React use करता है, क्योंकि इसका जो base core है वो JavaScript की ES6 के ही साथ है guys. उसी को use करके इन्होंने अपनी जितनी भी चीजें हैं वो बनाई हैं. तो उसी को हम यहाँ पे JSX कोड के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है. और JSX क्या है वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो ये हो गया आपका थ्योरी का पार्ट, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट्स है और व्हाट इज अ कंपोनेंट्स है वो, ठीक है. अब आपको मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं कि कैसे आप इस चीज को बना सकते हैं. तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे और करते हैं प्रैक्टिकल गाइस. यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास में ये हमारी ऐप जो हम यूज करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस कुछ ट्यूटोरियल से, जैसे कि ये ऐप यहाँ पे क्रिएटेड है रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल्स के अंदर. हमने रिएक्ट ट्वीट्स करके बना रखा था, यही फाइल हम यूज कर रहे हैं. ओके, और इसी फाइल को आपको गिट पे भी मिलेगा जितना भी मैं कोड पुश करते हुए जाऊंगा वो, ठीक है. और सबकी सेपरेट सेपरेट ब्रांच आपको देखने के लिए मिलेगी. एक मास्टर ब्रांच पे हमने पिछले जितनी भी वीडियोस हैं उनका कोड रखा हुआ है मास्टर ब्रांच पे. और पार्ट 6 फंक्शनल कंपोनेंट्स से रिलेटेड ये ब्रांच है, ये आपको देखने के लिए मिलेगी. कैसे, चलिए मैं पहले आपको समझाता हूँ कि कोड कैसे मिलेगा आपको जो भी हम इस रिएक्ट की सीरीज में कवर करेंगे. तो यहाँ चलेंगे सबसे पहले वेबसाइट पे, ठीक है. वेबसाइट पे आने के बाद में जितने भी नए यूजर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने कोड फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. एंड आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल जो कि यहाँ पे चल रही है हमारी लेटेस्ट सीरीज. अगर आपको जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंटरव्यू निकालना है तो आपके यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगी. एडवांस जेएस अगर आपने नहीं सीखी तो आप यहाँ से सीख सकते हैं. पोर्टफोलियो की सीरीज यहाँ पे आपको मिलेगी. जावास्क्रिप्ट के बेसिक ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. एंड फ्री होस्टिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, वीएस कोड, ये सारी और रोड मैप से रिलेटेड वीडियोस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर देखने को मिलेंगी. बूटस्ट्रैप 5 और बूटस्ट्रैप 5 प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे. और भी बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज ऐसे ही मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, जाएं एंड फॉलो कर सकते हैं आप. तो ये तो बात हो गई आपकी यूट्यूब के प्लेलिस्ट की. अब यहाँ चलते हैं सबसे पहले, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपका गिटहब का. अब गिटहब पे आने के बाद ये लिंक तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा. अब आपको कोड कैसे मिलेगा रिएक्ट जेएस का, तो आपको यहाँ पे रेपो पे आना है, ठीक है. यहाँ पे आप देखेंगे दो रेपो आपको दिख रही है. पहले रेपो में कुछ भी नहीं है, जस्ट वो पहला पेज आपको देखने को मिलेगा. आपको React JS ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करना है, ठीक है. जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा. इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके, ब्रांचेस पे. अब यहाँ पे ब्रांचेस आपको दो देखने को मिलेगी. जब कभी भी आपको इनिशियल कोड जो अभी हमने पिछली 5 वीडियो में करा है वो आपको चाहिए, तो आपको मास्टर से क्लोन लेना पड़ेगा. यहाँ पे इस ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कॉपी करना होगा और क्लोन करेंगे आप इस चीज को, ठीक है. और क्लोन कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा जरूर, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा. अब इसके बाद में आपको जो आज हम करने वाले हैं इसका कोड कैसे मिलेगा, तो कुछ नहीं करना आपको. बस अगर आपका यहाँ पे आप कुछ इस तरीके का मास्टर आपको दिख रहा है तो आपको स्विच कर लेना है क्लिक करके. जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका पार्ट 6 फंक्शन कंपोनेंट्स आपको दिख रहा होगा कि ये सिलेक्ट हो चुका है आपका टिक के साथ में. अब यहाँ पे आपके सामने ये कोड आपको दिखेगा जो भी यहाँ पे मैं पुश कर दूंगा आज, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपके पास में मिलती हैं. और जितना भी पिछली वीडियोस हैं, पिछले कोर्सेज हैं, वो सारे कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको कोड फॉर एजुकेशन की वेबसाइट से. जाएं और यहाँ पे सारे के सारे कोर्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके. तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे पहले अपनी एडिटर पे. एडिटर पे आने के बाद में अब आप एक फंक्शन कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ और फाइल का नाम रखता हूँ मैं यूजर, ठीक है. ये देखिए user.js, ठीक है. यहाँ पे user.js कर दिया मैंने. अब यहाँ पे आपके पास में मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन भी मिलते हैं, ठीक है. एक्सटेंशन में आपको क्या करना होगा, RFC अगर आप करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है, ठीक है. तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद में आप देखेंगे कि ये मेरे को शॉर्ट फॉर्म के साथ में मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर इन्होंने दे दिया मेरे फंक्शन कंपोनेंट का, जिसमें कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. देन इसके बाद में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन और फंक्शन का नाम यहाँ पे यूजर लिया है, क्योंकि मैंने आपको पिछली भी आपको वीडियोस में बताया था जब कभी भी आप कोई एक नई फाइल क्रिएट करते हैं तो आप कोशिश करें कि फंक्शन का नाम भी सेम रखें, ठीक है, जिससे कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प हो सकती है. यहाँ पे आपका यूजर, देन पैराथेंथिस, देन उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस आपको लगाने,
रिटर्न आपको यहां पे लिखना मैंडेटरी है, रिटर्न के बाद आपके पैराथेसिस, देन आपका यहां पे डिव। ओके, तो ये है आपका कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब आपके पास में ये तो हो गया कि आपने एक लाइन में एक्सपोर्ट यहां पे आपको दिख रहा होगा डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैं यहां पे अगर मैं इसे करूं एफ सी, ठीक है, और यहां पे ई कर देता हूं, ये देखिए, और एंटर करता हूं, तो देखिए ये दूसरे तरीके से आपका यहां पे इन्होंने डिजाइन करके दिया एक्सटेंशन ने, कि आपका ये तो सेम है आपका इंपोर्ट, बट यहां पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपका नीचे चला गया है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स आपको मिलते हैं कि जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्यों यूज करते हैं, जब मैंने ES6 की सीरीज में आपको पढ़ाया था, जब कभी भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते थे मॉड्यूलर के अंदर क्लास को यूज करके, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को यूज करके, और मैं कोई फंक्शन बनाता था उसके अंदर, तो उसको यूज करना होता था मेरे को कहीं और, तो हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब है, डिफॉल्ट मतलब ये होगा ही, ये डिफॉल्ट एक ही हो सकता है, बट अगर आपको मल्टीपल फंक्शंस बनाने, वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा, पहले अभी मैं आपको यही समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब मानिए कि मैं यहां पे फंक्शन, देखिए मैं फंक्शन लिख देता हूं, फंक्शनल, ठीक है, और कंपोनेंट लिख देता हूं, ये देखिए ये मेरा यहां पे आपका क्या हो गया कि यूजर डॉट जेएस बन रखा है, ठीक है। इसके बाद में अब मेरे को इसको इंपोर्ट करवाना होगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर आपने ये एक्सटेंशन डाल रखा है जो मैंने आपको बताया है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप बस सिंपल जाएंगे यहां पे, ठीक है, आपको यूजर्स लिखना होगा, यूजर्स के बाद में देखिए हिंट दे रहा है, और एंटर मारेंगे आप, एंड देन देखेंगे तो देखिए आपका ऑटोमेटिक आपका इंपोर्ट हो जाएगा यहां पे, इंपोर्ट यूजर्स फ्रॉम कहां से, डॉट स्लैश के बाद में एक डायरेक्टरी पीछे जाएगा वो, एंड देन यहां पे यूजर की फाइल को इंपोर्ट करवा देगा। इसके बाद करेंगे हम सेव, एंड सेव करने के बाद में ऐप को कर लेंगे हम रन यहां पे अपने टर्मिनल के अंदर npm start के थ्रू, ठीक है। npm start लिखेंगे जैसी आपकी ऐप हो जाएगी यहां पे स्टार्ट। सो गाइज यहां पे आप देखेंगे कि आपकी ऐप हो गई है स्टार्ट, तो यहां चलते हैं ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप यहां पे देखेंगे, तो देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, तो यहां पे आपको दिखेगा हेलो वर्ल्ड, जो कि हमारी ऐप डॉट जीएस के अंदर था, और यहां पे हमारा फंक्शनल कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसे H1 कर दूं, यहां पे चलते हैं अपने यूजर में, ओके, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, और यहां पे मैं इसे कर देता हूं आपका H1, करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए इंस्टेंट आपका चेंज हो रहा है अपने आप ही, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी ऐप को, ठीक है। अब यहां पे आते हैं वापस, तो यहां पे आने के बाद आपने देखा कि एक तो हमारा कंपोनेंट यहां पे बन गया, तो रीयूज कैसे कर सकते हैं इसको। रीयूज का सिंपल मतलब है, जितनी बार भी आपको कंपोनेंट कॉल करवाना है, तो आप यहां पे सबसे पहले इंपोर्ट करवा लेंगे उसे, एंड आपको कुछ इस तरीके से यहां पे कॉल करवाना है, तो या तो इस तरीके से कॉल करवा लें आप, ठीक है। एक 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 तरीका ऐसा होता है आपका HTML टैग बनाने का, एक तरीका होता है आपका, आपको कुछ नहीं करना है, यूजर्स लिखना है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से, देखिए आपको मैंने HTML कोर्स के अंदर क्लोजिंग टैग पढ़ाए थे ना, वैसे ही अपने आपको क्लोजिंग टैग बना लेता है, या तो आप ऐसे कॉल करवा लें। अगर इसके बाद करें सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे, तो यहां देखने के लिए मिलेगा कि आपका अभी भी यहां पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, तो ये दो मेथड आपको मिलते हैं यहां पे जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो पर्सनली यूज करता हूं वो मैं ये मेथड यूज करता हूं ज्यादातर, ओके, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि रिपीटिंग कैसे लिखना है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, देखिए कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, और आपका यहां पे मल्टीपल टाइम्स जो भी आपने वहां पे यूजर्स के अंदर रखा होगा वो आपको यहां पे मल्टीपल टाइम्स, इट मींस कि हम कोई फंक्शन लिखते हैं या कोई भी डिजाइन रखते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स यहां पे आ जाता वो अपने आप ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये भी हो गया आपका। अब इसके बाद में, अभी इससे पहले जब मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म यहां पे समझा रहा था मैं एक्सटेंशन के साथ में, तो वहां पे आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपका यूज हो रहा था। अब मानिए मेरे को नहीं यूज करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी यूजर वाली फाइल है इसके अंदर मल्टीपल मेरे पास में फंक्शन होने वाले हैं, तो मैं हर एक फंक्शन को कैसे यूज कर सकता हूं, यही चीज मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ाई थी मॉड्यूलर के नाम पे, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो कुछ नहीं करना आपको, यहां पे करना है इसको रिमूव, रिमूव करने के बाद में आप यहां पे लिख देंगे बस आपका एक्सपोर्ट। ओके, जब आप यहां पे एक्सपोर्ट लिख देंगे तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एरर आ रहा है आपकी फाइल में ऐप डॉट जेएस के अंदर। क्यों एरर आ रहा है आपका, कि जब कभी भी, ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, जब कभी भी आप फंक्शन को एज अ एक्सपोर्ट करते हैं, डिफॉल्ट नहीं करते, तो आपको जो जब आप इंपोर्ट करवाएंगे उसे, तो कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड ही कराना होगा कुछ इस तरीके से, देखिए। ओके, इसके बाद करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे, तो देखिए आपका आउटपुट अभी भी आपको यहां पे विजिबल हो रहा है आपका। ओके,
अब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्यों कराना होगा, जैसा मैंने EX6 के अंदर बताया था, अगर मेरे पास में और भी होते तो देखिए मैं यहाँ पे और भी यूज करवा लेता ऐसे करके, देखिए जितने फंक्शंस होते तो मैं ऐसे करके यूज करवा लेता और वो अपने आप ही जाता वहां पे और फंक्शंस का नाम पिक करता और मेरे को रिटर्न कर देता मेरा डेटा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इसका यूज, जब कभी भी आपको डिफॉल्ट यूज नहीं करना तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ और अपने पुराने वाले तरीके से इसको रख लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको मल्टीपल चीजें बता रहा हूँ बैक टू बैक कि जिस तरीके से आप समझ सकें। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, करता हूँ कमेंट, ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट को हटाते हैं अभी पहले। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट करने के बाद में यहाँ पे ये देखिए ये चीज हो गया। इसके बाद वापस चलते हैं, वापस आएंगे तो देखिए आपको आउटपुट यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको यूज करना है। अब इसके बाद में आप बोलेंगे ये चीज तो हम अपनी app.js के अंदर भी कर सकते हैं। यस, क्यों नहीं कर सकते आप app.js के अंदर, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आप करेंगे यहां से कॉपी फंक्शन को, फंक्शन को कॉपी करने के बाद यहां चलेंगे आपकी जो ये फंक्शन है ना, ये पूरे फंक्शन जहां पे खत्म हो रहा है उस कर्ली ब्रेसेस के बाद आएंगे आप यहां पे, इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूं, ये देखिए ओके यहां पे आपको विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद में ये जो इंपोर्ट कर रखा है ना आपने, इसको कमेंट कर दो आप, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट अगर आप चलाएंगे कंट्रोल्स, यहां पे मैं सेव करूं ओके, वापस चलेंगे हम यहां पे, तो आउटपुट आपको यहां पे अभी भी देखने को मिलेगा ओके, जितनी बार भी आप चाहें। और भी अगर आप चाहते हैं यहां पे इसको कॉल करवाना, कॉपी पेस्ट करके करें, चलेंगे यहां पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए अभी भी आपका चल रहा है फंक्शन। तो हम यहां पे इनसाइड भी चला सकते हैं, ठीक है, यहां पे आपको मैंने जो करके दिखाया ये इनसाइड भी चला सकते हैं ओके। मैं लिख भी देता हूं यहां पे इनसाइड द app.js ओके, यहां पे भी चला सकते हैं हम। ठीक है, अब यहां पे यूजर आपको अनकमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमें अब वहां से चाहिए जो हमारी user.js वाली फाइल है। इसके बाद चलेंगे वापस तो देखिए आपको आउटपुट अभी भी देखने को मिल रहा है। तो ये है आपका फंक्शनल कंपोनेंट्स गाइस, किस तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये मैंने अभी बताया आपको, इंपोर्ट कैसे करवाना है आपको, नाम कैसे रखना है आपको, और आपको जो एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करवाया था पिछली क्लास में तो वो कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे, उससे कैसे हेल्प हो सकती है आपकी, वो भी मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। आप मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाएं ओके, कॉल करवा के देखें, यूज करके देखें उसको कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी आपका वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका क्लास कंपोनेंट के बारे में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।